नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैन। दोपहर के एक बज चुके हैं, हम लेकर हाजिर हैं अपने खास पेशकश जिसमें हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जिनको एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई समन किया है। उन्हें आज सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली की जो शराब नीति है, आबकारी नीति है, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हाल ही में पहली गिरफ्तारी की थी। ईडी मनीष सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया था। समन मिलने के बाद सिसोदिया ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई की रेड कराई गई, कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर तलाशा गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला और आज उन्होंने मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सिसोदिया के बचाव में उतरे और मनीष सिसोदिया के आज के दौर का भगत सिंह बता दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादे को डेगा नहीं पाया। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र सिंह आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों की अच्छी शिक्षा देकर उन्हें सुनहरे भविष्य उभारी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं कि सिसोदिया पर क्या आरोप है, क्या कुछ तमाम चीजें हैं, वह हम आपको यहाँ पर बताते हैं। और आप ये देखिए कि एक एक करके किस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर तमाम नेता हैं, वो दरअसल उतरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और सौरभ भारद्वाज की अगर बात की जाए तो सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कहते हैं वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। नियमी की अनदेखी कर शराब नीति बनाई गई। पहले जो मनीष सिसोदिया पर आरोप है वो बता दे, शराब के लाइसेंस देने के नियमों की अनदेखी की गई, ये आरोप उन पर है। जो नियम कायदे हैं उनकी अनदेखी कर दरअसल जो टेंडर है वह दिए गए। इतना ही नहीं, ठेकेदारों को अलग तरीके से दरअसल फायदा पहुंचाया गया। तो यूं तो तमाम आरोप है मनीष सिसोदिया पर है। शराब ठेकेदार जो है वह 144 करोड़ रुपए उनके माफ किए गए। आगे तमाम ऐसी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।